हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन टू हनिस्कल बुक हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर के वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। इन क्वेश्चन आंसरों को आप समझिए और इनको लर्न कीजिए। ओके, तो इसके वर्ड मीनिंग में हम इसके पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेते हैं। देखिए, मास्टर, मास्टर क्या होता है, जो उसका मालिक या फिर स्वामी। वोल्फ्स, वोल्फ होता है उसका, ये प्लूरल है, ये भेड़िया। इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड का मतलब है दुखी होना। वांडरिंग अबाउट, वांडरिंग अबाउट होता है इधर उधर घूमना। किन्समैन, ये होता है जो रिलेटिव्स होते हैं, संबंधी होते हैं, एक दूसरे की प्रजाति के जो मिलते जुलते होते हैं। फायर्स, फायर्स का मतलब होता है खूंखार, खतरनाक। स्निफ्ड, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ की स्मेल लेना। डार्टेड ऑफ, इसका मीनिंग है भाग गया। क्रैप्ट, क्रैप्ट होता है रेंग कर चलना या खिसक जाना, ठीक है, धीरे धीरे निकलना। मूविंग, मूविंग होता है रंभाना। बीस्ट, बीस्ट होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, कोई भी हो गए, जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गया, वोल्फ हो गए, सारे जंगली जानवर, इनको हम क्या कहते हैं, बीस्ट कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को। रोअर, रोअर होता है दहाड़ना, गर्जना, जैसे बादल गर्जना करते हैं ना, शेर दहाड़ता है, तो ये थे रोअर। बेयर क्लिफ्स, जो चट्टानें होती हैं जो बिना पेड़ों वाली, आपने देखा होगा काफ़ी जो पहाड़ी होती है उन पे पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिन पे पेड़ नहीं होते, जो फिसलन वाली चट्टानें होती हैं, उनको हम कहते हैं बेयर क्लिफ्स। पा, पी ए डब्ल्यू पा होता है पंजा। लॉयल होता है वफादार या स्वामी भक्त, जो पूरी वफादारी से साथ निभाए। आगे देखिए, अब इसके हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड ऑफ, कि जो कुत्ता था इसमें वो किस चीज़ से दुखी हो गया था, किस चीज़ से थक गया था, किस से परेशान था। तो आप सभी ने जब लेसन रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि जो डॉग था वो अपने लिए पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, जिससे वो परेशान हो गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वांडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, कि अपने आप वो इधर उधर जो घूमता था उससे वो परेशान हो चुका था, थक गया था। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड द डॉग डिसाइडेड टू मेक द मास्टर, कि जो डॉग है उसने अपना मास्टर, अपना स्वामी किसको बनाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। डिसाइड होता है निर्णय लेना। तो इसका आंसर है, उसने सोचा कि मैं उस व्यक्ति को या उस जानवर को अपना मालिक बनाऊँगा जो इस दुनिया पर, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हु वाज स्ट्रोंगर, जो ताकतवर होगा, देन एनी वन ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर किसी से भी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसको ही वह अपना मालिक बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मास्टर ऑफ डॉग, कि डॉग का पहला मास्टर कौन था, उसका पहला स्वामी कौन था, किसको डॉग ने अपना पहला मालिक बनाया था। तो किसको बनाया था, सबसे पहले उसे कौन मिला था, वोल्फ, एक भेड़िया, तो उसको उसने अपना मालिक बनाया था। व्हाई डिड द डॉग लीव द वोल्फ, उसने उस वोल्फ को क्यों छोड़ा था, उसने उसका साथ क्यों छोड़ा, क्योंकि वो बियर से डरता था। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिकॉज द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सेलेक्टेड एज सेकेंड मास्टर, ये जो उसका सेकेंड मास्टर था आफ्टर वोल्फ, कौन चुना गया, तो सेकेंड मास्टर कौन चुना गया था, बियर, क्योंकि जब वो वोल्फ बियर से डरती है तो उसको लगता है कि जो बियर है वो इससे ज़्यादा ताकतवर है और वो उसको अपना मालिक बना लेता है। व्हाई डिड द डॉग लीव द बियर, अब वो जो बियर है उसको क्यों छोड़ता है, इसको किस लिए छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि वो शेर को देखकर डर जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो गया इसका, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू द बियर, बियर के बाद उससे आगे, होम डिड द डॉग चूज हिज मास्टर, बियर से नेक्स्ट वो किसको अपना मालिक चुनता है, तो किसको बनाया था उसने बियर के बाद, किससे डरता था वो, लायन से, और उसको लगा कि ये इससे ज़्यादा ताकतवर है तो अब वो लायन को ही अपना मास्टर बना लेता है। नेक्स्ट है, हु वाज द लायन अफ्रेड ऑफ, कि जो शेर था वो किससे डरता था, तो जब वो देखा, आपने स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो दोनों जा रहे थे, शेर और जो डॉग था, तो शेर को स्मेल आती है कि कोई इंसान इधर उस उनकी तरफ चला आ रहा है, तो जो शेर था वो पीछे जाने की कोशिश करता है, जिससे उसको लगा कि हाँ, इंसान जो है वो इन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस धरती पर, तो क्यों ना मैं इसी को अपना मालिक बनाऊँ। तो उसने अपना जो मालिक था वो किसको चुना, जो लायन था वो किससे डरा हुआ था, मैन से। और होम डिड द डॉग अडॉप्ट हिज मास्टर फाइनली,
कि डॉग ने लास्ट में फाइनल में अपना जो मास्टर था वो किसको बनाया, मैन को बना लिया, उसी इंसान को, कि जब हर कोई इस इंसान से डरता है तो क्यों ना मैं इसे ही अपना मालिक बना लूँ। व्हाट टाइप ऑफ ए सर्वेंट इज डॉग, कि जो कुत्ता है वो किस प्रकार का नौकर है, तो वो कैसा है, सभी को पता है हम अपने घरों पे जो डॉग है उसको पालतू बनाकर रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक बहुत ही फेथफुल एनिमल है, वफादार जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन से एनिमल को माना जाता है, तो किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन सा होता है, लायन होता है, और आपने सुना होगा सिक ऑफ डेजर्ट कौन सा होता है, कैमल होता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग, इनको आप लर्न कीजिए इस पीडीएफ की हेल्प से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।